करते तो देखते। जा लोग लोग एक प्रॉपर चार्ज एंड एक्शन। बुलबुल लुक एट वर्णिका पैन वर्णिका लुक हियर रोलिंग एंड एक्शन चार्ज। अभी आ रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन तब तक रिया ने किया बुलबुल की आंखों के सामने साइड। वेल दोस्तों, अगर हम बात करें कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो मेरा बलम थानेदार के बारे में, तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अविनाश और वर्मिका खड़े होकर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी जो है वर्मिका को देखती है बुलबुल और उसका हाथ पकड़कर लेकर जा ही रही होती है कि तभी अचानक से ऊपर से रिया कूद जाती है और इन दोनों के आंखों के सामने आकर गिर जाती है जमीन पर। और रिया की बॉडी को देखकर बुलबुल डर जाती है और वो तुरंत वीर को कॉल करती है, बताती है कि हमारे कॉलेज में रिया ने साइड अटेम्प्ट किया है। वीर उसे कहता है कि तुम उसको बिना टच किए ये देखो कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं। बुलबुल रिया के पास जाती है और देखती है उसकी सांसें चल रही है और वीर को बताती है। वीर कहता है कि इसके बॉडी के पास तुम किसी को आने मत देना, मैं जल्द ही वहाँ पे पहुँचता हूँ डॉक्टर्स की टीम लेकर। वहीं पर दूसरी तरफ अविनाश और उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं। उतने में ही वहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल पहुँच जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हुआ। प्रिंसिपल ये सब देखकर डर जाते हैं और तभी बुलबुल उन्हें बताती है कि मैंने थानेदार साहब को फ़ोन कर दिया है, वो जल्द ही यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने किसी को बॉडी टच करने से मना किया है। उतने में अविनाश आगे आता है और कहता है कि उनके आने तक अगर मेरी फ्रेंड रिया मर गई तो ये वो रिया के पास जाने की कोशिश करता है। तभी प्रिंसिपल उसे रोक देते हैं ये कहकर, जबकि पुलिस ने मना किया है तो तुम क्यों आगे जा रहे हो। ये कहकर प्रिंसिपल सर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अविनाश अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाता है और कहता है कि इसके पति की बात मुझे नहीं माननी है, मैं अपनी फ्रेंड को देखूंगा, अगर मेरी फ्रेंड को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अविनाश जो है रिया के पास जा ही रहा होता है, तभी बुलबुल बीच में आती है और कहती है कि अगर कल को रिया मर गई तो सारा एलिगेशन तुम लोगों पे ही आएगा उसकी मौत का, क्योंकि उसकी बॉडी को तुम लोग टच कर रहे हो। ये सुनकर अविनाश के फ्रेंड्स पीछे हो जाते हैं और अविनाश भी पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे वीर पहुँचता है और डॉक्टर्स की टीम के साथ वीर जो है रिया के पास जाता है और कहता है कि इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तभी वामिका और बुलबुल वहाँ से चले जाते हैं और वीर जो है प्रिंसिपल सर से बात करने लग जाता है। कब से कह रहा हूँ सर, जब तक कोई आएगा अगर तब तक रिया को
कुछ हो गया तो उसकी एक्शन। क्या स्टुपिडिटी चल रही है कब से सर? सर मैं कब से कह रहा हूँ सर, अगर जब तक कोई आएगा तब तक रिया को कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमें हमें अभी इसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाना होगा। एम्बुलेंस अभी आती ही होगी। सर जब तक कोई आएगा अगर तब तक रिया को कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सर हमें अभी मेरी हेल्प करो गाइस। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैंने बोला ना थानेदार से आ रहे वो। हेलो चाची साइड हो जाओ। तुम्हारा पति क्या कह रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी दोस्त गाइस तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी हेल्प यश हेल्प कर उठाओ यार तुम लोग। हां हां आ जाओ। और लोगों की मदद चाहिए तो और लोगों को बुला लो। लेकिन याद रखना कि रिया की सांसें अभी तक चल रही हैं। अगर अगर तुम लोग के उठाने की वजह से उसका ज्यादा खून बहा ना मारेगो क्या? और वैसे भी पुलिस के आने से पहले वारदात वाली जगह को कभी नहीं छूना चाहिए। आ जाओ आओ तुम लोगों को जेल जाने का बहुत शौक है ना? आओ अरे जाओ। कुछ भी नहीं होगा तुम लोग उठाओ से हेल्प करो। वो सब लोग एक दूसरे को टशन लो चार्ज। अशोक एम्बुलेंस में लेकर जाओ तुरंत। और एक गाड़ी हमारी एम्बुलेंस के साथ साथ जाएगी और मुझे पल पल की खबर चाहिए। जाओ जल्दी लेकर जाओ स्ट्रेचर लेकर आइए। उठा के लेके जाओ। सपोज लेके गए एक्शन करके लेके जाओ। उठाओ लेके जाओ। जाओ क्रॉस करो। एंड वर्णिका चली गई। बुलबुल गई। एक्शन चली गई। सब लोगों का टेंशन टिप लाइन। देखा टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स सब्सक्राइब टू टेली बाइट्स राइट अवे।